गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर tan इनवर्स 1/5 + tan इनवर्स 1/7 + tan इनवर्स 1/3 + tan इनवर्स 1/8 = 5/4 ये हमें प्रूव करना है। तो ऐसा करते हैं, लेफ्ट को लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इसके बाद tan इनवर्स 1/5 ये फॉर्मूला यहां रख देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर इसको इस दो को देखिए, tan इनवर्स 1/5 और प्लस tan इनवर्स 1/7 पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 और 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। और उसके बाद यहां पर तो ये हो गया tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 और 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ये तो आगे चलते हैं, यहां पर tan इनवर्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका देखिए, इसका क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम तो 35 होगा, यानी 7 और 5 को जब ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 12 होगा नीचे, 35 होगा, 35 कट जाएगा, 35 नहीं लिख रहे हैं, और 35 और 1 सेपरेट करेंगे तो ये हो गया 34, यही मिलेगा। आप स्टेप वाइज करके देख लीजिए, रफ यही आएगा। प्लस इसको आगे सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स इसका 8 और 3 24 आएगा, यानी 8 11 11 अपॉन 11 आएगा, और ये आएगा 23। मतलब शॉर्ट में जब आप इसको रफ में सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपको कट जाएगा ये 24। तो ये है वो 24 में 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 23 आएगा, और 24 जो है वो बाद में कट जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर कट जाएगा। ठीक है, ये अब फिर से यहाँ पर फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे। तो ऐसा करते हैं, अब यहां से फिर से लिखते हैं, तो ये है tan इनवर्स, इसको सॉर्ट कर लेते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं, दो से काटते हैं इसको, यस, और इसके बाद tan इनवर्स 11/23। अब फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 और 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, ये इतना आएगा। और अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई, इसका मतलब एलसीएम कर लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो होगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सीधा सीधा यही मिलेगा। हम यहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स 325 आएगा, और नीचे तो ये पूरा कट जाएगा, और यहां पर भी 325 आएगा। आप रफ में सिंपल है, एकदम आसान तरीका है, आप इसको क्या है, फ्रैक्शन का ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, तो इससे ये कट गया। यहाँ क्या मिला, tan इनवर्स यहाँ आया 1, और इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देंगे tan इनवर्स, और यहाँ आएगा tan π/4, जिससे ये हमें मिल गया π/4 ही प्रॉपर्टी से, तो यही आ गया राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा है, सॉल्व करते हैं।
और कुछ नहीं केवल फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताएंगे। थैंक यू।